हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो एसएससी सीएसएसएल 2023 की डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में है। अच्छा, उससे पहले हम बात करेंगे कि कल शाम को एक नोटिस वायरल हो रही थी एसएससी सीएसएल 2022 की सीपीटी कट ऑफ को लेकर। आप सबने वो नोटिस देखी ही होगी, तो उसमें सीपीटी कट ऑफ बताई गई है, रिज़ल्ट की डेट बता दी गई है, पर ऐसा कुछ भी एसएससी की ऑफिशियल साइट पर नहीं है। तो जब तक एसएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, आप इस नोटिस को एक तरह से फेक समझ सकते हैं। अच्छा, बात करें एसएससी सीजीएल 2023 की, तो आज है 10 मई, कल है 11 मई। तो अगर आप कोई भी अपने फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं, तो आज 10 तारीख से लेकर कल 11 बजे तक आप अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सीएसएल 2023 की। इसका नोटिफिकेशन कल रात को आउट हो चुका है और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो लिए जाएंगे वो 9 मई से लेकर 8 जून के बीच लिए जाएंगे, और जो लास्ट डेट है इसके फॉर्म भरने की वो भी 8 जून ही है। इसके बाद अगर आप अपने एप्लीकेशन में कोई करेक्शन करना चाहते हैं, तो इसकी डेट भी हम दे रखी है 14 जून से लेकर 15 जून तक। और शेड्यूल जो टीयर वन का है वो इन्होंने दिया है अगस्त 2023, और टीयर टू के बारे में इन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी है। ये तो आप अब जानते ही हैं कि इसमें पीए की वैकेंसी को हटा दिया गया है, उसे सीजल में जोड़ दिया गया है। तो सीजल 2023 में आपको सिर्फ एलडीसी या डीईओ की पोस्ट ही देखने को मिल सकती है। अब अगर बात करें वैकेंसीज़ की, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि वैकेंसी कितनी है। तो इसमें इन्होंने जो बता रखा है नोटिफिकेशन में, उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 1600 ही वैकेंसी हैं। अगर सीजल 21 की बात करें तो उसमें 6000 के आसपास वैकेंसीज़ थी, और सीटीएसएल 22 की बात करें, जिसका अभी टीयर वन एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आना है, उसमें अप्रॉक्स 4500 वैकेंसीज़ हैं। पर सीटीएसएल 23 में इन्होंने वैकेंसीज़ को बहुत ही ज़्यादा घटाकर 1600 कर दिया है। अब अगर हम मान कर चलें कि सीटीएसएल 21 या सीटीएसएल 22 की कुछ वैकेंसीज़ अगर इसमें ऐड करते हैं, तो भी ये जो नंबर है ये 2000 तक ही जा सकता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 2500 तक पहुँचेगा, इससे ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं है। एज लिमिट जो काउंट करी जाएगी, उसकी डेट इन्होंने दे रखी है, एज लिमिट 1 अगस्त 2023 से ही काउंट करी जाएगी। अब अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एसएससी सीएसएल 2022 की तरह ही सीएसएल 23 में भी सेम पैटर्न है। इसमें पहले आपका टीयर वन कराया जाएगा, उसके बाद टीयर टू, और टीयर वन आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, जबकि टीयर टू की मेरिट के हिसाब से आपकी जॉब लगेगी। फिर उन्होंने बता रखा है कि अगर जो एग्ज़ाम है आपका वो एक से अधिक शिफ्ट में होता है, तो मार्क्स जो हैं वो नॉर्मलाइज किए जाएंगे। चलिए, सब तो सभी को पता होंगी बातें, आगे हम चलते हैं। टीयर वन का पैटर्न बिल्कुल ही सेम है जैसा अभी तक होता रहा है, जनरल इंग्लिश, जीएस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जीए, सभी के 25-25 क्वेश्चन, 50-50 नंबर के हर एक सेक्शन, टोटल 200 मार्क्स का, और आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। आगे बात करें टीयर टू की, टीयर वन में भी इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग रखी गई है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। स्कीम देखें अगर टीयर टू की, तो इसमें सेक्शन वन होगा, जिसमें सेक्शन वन और सेक्शन टू दो भागों में बांटा गया है। सेक्शन वन में आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे 30-30, टोटल 60 क्वेश्चन और 180 नंबर। समय मिलेगा आपको इसके लिए 1 घंटा। और सेक्शन टू की बात करें, तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन के 40 क्वेश्चन और जीए के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, टोटल 60 क्वेश्चन और जो मार्क्स वो 180। इसके लिए भी आपको 1 घंटा मिलेगा। और सेक्शन थर्ड में आपसे कंप्यूटर नॉलेज के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, टोटल 45 नंबर, जो कि क्वालिफाइंग नेचर होगा। उसके बाद सेशन सेकंड, इसमें सेशन थर्ड में 3 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए और जो पार्ट बी है वो डीईओ की पोस्ट के लिए टाइपिंग के लिए दिया हुआ है, और जो इसमें पार्ट सी है वो एलडीसी की टाइपिंग के लिए दिया हुआ है। इसकी टाइपिंग के लिए आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन के जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ चाहिए, तो आप एसएससी की साइट से या मेरे टेलीग्राम चैनल एसएससी स्ट्रीट पर जाकर नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी भी आप तैयारी में नहीं लगे हैं, तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, और आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स अगर कम्प्लीट नहीं हैं, तो उन्हें जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा लीजिए। अगर आपका फिर भी कोई डाउट इसमें रह गया है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा।
वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।